करीब 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग सख्त है और प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार पर नजर रख रहा है। बिल्कुल, किश्तवाड़ के इंदरवाल विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार गुलाम मोहम्मद सरूरी के चुनाव प्रचार के दौरान भड़काऊ नारेबाजी भी हुई है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गुलाम मोहम्मद जब अपने समर्थकों के साथ प्रचार के लिए निकले तो उनके समर्थकों ने निजामे मुस्तफा यानी शरिया का शासन चलेगा के नारे लगाए। क्या चलेगा निजामे मुस्तफा, यहाँ क्या चलेगा निजामे मुस्तफा, यहाँ क्या चलेगा निजामे मुस्तफा। दरअसल निजामे मुस्तफा इस्लामवादी आंदोलन और एक नारा था जिसे पाकिस्तान में जमाते इस्लामी और पाकिस्तान नेशनल अलायंस ने 1977 में शुरू किया था, जिसका मकसद जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार को उखाड़ फेंकना और पाकिस्तान में शरिया यानी इस्लामिक व्यवस्था स्थापित करना था। लेकिन जम्मू कश्मीर में इस तरह की नारेबाजी पर चुनाव आयोग ने सख्त रुख अख्तियार किया और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद इंदरवाल के रिटर्निंग अधिकारी ने तत्काल एक FIR दर्ज कराई और पुलिस को मामले की जांच करने के निर्देश दिए। अधिकारियों के मुताबिक वीडियो में कुछ अज्ञात लोग सरूरी के समर्थन में आपत्तिजनक भड़काऊ और अनुचित नारे लगा रहे थे। ये भड़काऊ नारे न केवल चुनावी अपराध हैं बल्कि आचार संहिता का भी उल्लंघन है। हालांकि गुलाम मोहम्मद सरूरी ने अपने समर्थकों के ऐसी किसी भी नारेबाजी की जानकारी होने से इनकार किया। Z News.